आपको तो एक ही बात बोलेगा, क्या कहते हैं कि थर्ड आई खोल दूंगा, तेरे लिए हवन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यही बोल रहे हैं कभी महीने भर रुको, महीने डेढ़ महीने रुको, आपके थर्ड आई खोल दूंगा। तो आप थर्ड आई क्या खोलेगा जब तेरी नहीं खुली हुई? भैया पूछा नहीं तूने? मैं आपके धाम में भी आया हुआ हूँ, पहले 7-8 दिन रुका था शुभ नाम के साथ में। शुभ नाम क्या है आपका? पवन कुमार सोनी। कहाँ रहते हो आप? मैं राजस्थान भिलवाड़ा रहता हूँ। तो आप केस करने की कह रहे हैं? हाँ? केस करने की कह रहे हैं ना आप? इसलिए तो मैं सलाह मांग रहा था, क्या करूं मैं भाई। देखो अभी तक मुझे एक बात बताओ, एक बंदे की भी दृष्टि खुली हो तो मेरे को बताओ। 100 फोन तो मैं कर चुका हूँ, ये आप वीडियो देख ही रहे हैं। अभी करीम खान बंडाफोड़ के नाम से हमारा चैनल है, उसमें 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर एक ही दिन में हो गए, और कल तक जो है ये समझ लो उसमें 50 वीडियो हो जाएंगी, और तकरीबन 100 वीडियो हमने बनाई हुई है, 100 वीडियो डालने वाले हम। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था केस करने की कि वो वापस दे नहीं रहा रिफंड, और मैंने मैसेज में भी किया था कि मेरे को आपसे तो चाहिए भी नहीं, लेकिन मैंने भेजा उसके खाते में और आपके मंदिर के लिए, तो न तो वो इधर गया न वो इधर गया, और वो बीच में रुक गया। कम से कम दुनिया को ये तो पता चल गया कि इसने मंदिर में जो है केवल 14 लाख रुपए भेजे हैं और 70-80 लाख रुपए खुद हजम कर गया। और ये क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था कि भैया कुछ काला शाह करते हैं और इस वजह से भैया दब जाएंगे और बोलेंगे नहीं, ठीक है। उसको ये नहीं पता गधे को हमारे यहाँ का एक एक पैसा बैंक में जमा होता है, उस गधे को ये नहीं पता हमें संस्था होते हुए हमने जो है क्या कहते हैं वो भरा हुआ रिटर्न भरा है 6 लाख के करीब का। उसको गधे को यही नहीं पता कि भैया सारा काम एक नंबर का करते हैं, 2 नंबर का कभी करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसने गधे ने ये सोचा कि भैया इस वजह से दब जाएंगे, इस कारण से दब जाएंगे, ठीक है, मेरे को बोलेंगे नहीं, क्योंकि भैया भी तो इस तरह से पैसा कमा रहे हैं। उनको ये नहीं पता अक्साले जो देखने में होता है वो वैसे नहीं होता, सत्य सत्य होता है और सच्चा इंसान सच्चा होता है। तो उसको भैया की मेहनत नहीं पता ना कि भैया ने कितने साल मेहनत की? नहीं उसको गधे को यही तक नहीं पता। मान लिया मैं किसी संस्था में दान कर रहा हूँ तो ATG कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी है। एक भी क्लास नहीं ली, एक भी तीसरे और चौथे ग्रुप की एक भी क्लास नहीं ली, कभी फोन भी नहीं किया आगे रह के, कभी चेक कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कोई भी क्लास नहीं ली अभी तक। और धमकी क्या देता है बताना जरा? मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। आपको निकाल दिया ग्रुप से? हाँ कब का निकाल दिया। तो 125 लोगों के लास्ट में पैसे लिए इसने 6-7 लाख रुपया, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, और अभी 1-2 लाख रुपए का हवन करा के बोल देगा 3 दिन तक कि मैंने हवन करा दिया, अब खुले तो खुले, मैंने तो पैसा खर्च कर दिया आपके लिए। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि अभी क्या करना पड़ेगा ये समझ में नहीं आया। भाई देखो तुम केस करोगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। क्यों खुशी नहीं होगी? क्योंकि धाम के नाम पे उसने खाया, और मैं तो चाहता हूँ धाम के नाम पे जो खाए वो अपने आप उसको शनिदेव महाराज सजा देंगे, हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बात मैं चाहता भी नहीं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो जेल में जाए। काम उसने जेल से भी बदतर किया है, उसने जो काम किया है वो सालों साल में कोई नहीं करता, ठीक है। और मुझे तो भाई ये चौथा मुस्लिम धोखा दे के गया है, और तुम्हें तो पहले आदमी ने धोखा दिया है मेरे ख्याल से। बोलो। हाँ पहले नहीं दिया है, वो भी केवल आपके विश्वास के ऊपर धोखा दिया उसने। भाई देखो मैंने नवंबर में ही वीडियो डाल दी थी और दिसंबर का ग्रुप उन्होंने गलत ज्वाइन किया लोगों ने, क्योंकि उस टाइम तक लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था जब तक इसने, और ये हो सकता है एक ग्रुप भी जल्दी बना देता हो तो शुक्र करो हमारा हमारी आंखें खुल गई और हमें पता चल गया कि ये आदमी गड़बड़ करने वाला है, और पूरा गड़बड़ इसने कर दिया है। क्योंकि ये बताता था धाम में मैंने इतने पैसे भेज दिए, 25 लाख भेज दिए, फिर धाम में मैंने 10 लाख और भेज दिए। मुझे साथ साथ बाद में पता चला कि इसने कुछ रुपया नहीं भेजा, इसने तो 12-14 लाख भेज के, क्योंकि हमने कोई अकाउंट नहीं देखा, और ये कह दिया कि सारे पैसे भैया मैंने उसमें भेज दिए। मतलब ये बहुत तेजी दिखा गया, और इसने ये कहा कि एक अकाउंट में ही मैं पैसे मंगा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है, जो आता जाएगा मैं देता जाऊंगा। और हाँ दो नहीं, और गूगल पे का अलग, उसका अलग, ऐसे करके भर गया वो सारे अकाउंट भर गया, उसने पत्नी तक के अकाउंट भर लिए गधे ने, ठीक है ना। और ये सोच रहा है क्या कहते हैं कि तूने तीर मार लिया, लेकिन ऐसे आदमी को ये नहीं पता कि इस तरह के पैसे कभी भी जो है कभी भी रुकते नहीं है पास में, ठीक है, क्योंकि मेहनत की कमाई का तो है नहीं और लोगों को बहकाने का है, हाँ। और अब लोगों को कह रहा मनु भैया के पास कोई सिद्धि नहीं, दे रहे गधे तेरे पास क्या था तू ये बता, तू सारी मनु भैया के लिए हुए था, और मनु भैया की सिद्धि मनु भैया को छोड़ के तेरे पास क्यों आएंगी ये भी तो बता दे।
किया कि मेरी पत्नी को उसी ने चेक किया था और मैं 7-8 दिन रुका था, तब वो 3-4 दिन वहीं पे था, इसलिए मेरे को विश्वास भी हो गया था कि क्या पता दाम के साथ धोखा नहीं करेगा, इसलिए मैंने पैसा भेजा। भाई ये विश्वास तो हमें भी था, हमें क्या पता था दाम के साथ धोखा करेगा। फिर ये किसको पता होता है ये क्या 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 मनोबल लेके आया। और छली तो अपनी बात कभी बताएगा नहीं, क्योंकि उसने तो लंबे काल में छल करके भागना है। वो तो हर वीडियो में बोलता था कि सभी के मैं दाम में भेज रहा हूँ, अभी 10 भेज दिए। फिर दूसरे ग्रुप के बाद में बोला गया मैंने 25 लाख भेज दिए। तीसरे ग्रुप में बोला उसने कि शायद 40 लाख के करीब बता रहा था कि 40 लाख रुपए भेज दिए दाम में तीसरे ग्रुप में। फिर बाद में चौथे ग्रुप में 26 तारीख से ही अनबन शुरू हो गई। मैं सोच रहा था कि कराऊं नहीं कराऊं। फिर वो थोड़ी बहुत हमें वो रसीदें भी भेजी और बोल रहा था कि 40 से 45 लाख रुपए करीब दाम में जमा करा दिए। फिर मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ बंदा सही बोल रहा है। फिर अभी लास्ट में पता चला गया तो बिल्कुल ही फ्रॉड है। नहीं अगर भेजता तो एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे क्या दिक्कत है अगर किसी ने 40 भेजे तो 40 की हाँ भरने में। एक बात, हाँ सही बात है, मेरे लिए तो वो लाभकारी है जिसने 40 भेज दिए। दरअसल जितने वो कह रहा है उतने तो मैंने अभी देने हैं मंदिर के पैसे भाई। धाम अभी तो मंदिर की जमीन के पैसे पूरे नहीं हुए हैं और इसने जमीन के नाम पर ही मनु भैया के क्रेडिट को भुना दिया कि मंदिर की जमीन। मंदिर की तो कोई बात ही नहीं थी, मैंने तो जमीन के पहले मंदिर बनाना शुरू किया था और उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया, वो विवाद भी अब सुलझने जा रहा है। हमारा मंदिर जरूर बनेगा, हर हाल में बनेगा और सबको पता है हमने नीचे से तेजी से काम किया था, आगे भी करवाएंगे जैसे ही हमें आज्ञा मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से, एकदम से काम हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे लोग धूर्त बनाते हैं, लोगों का मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख खींच के वो चला गया, वो शायद इसलिए आया था, उसने फ्रॉड ही करना था। और अब तो भाई यकीन हो गया मुझे भी कि मुस्लिम जो है वो दगा देगा ही देगा, सगा नहीं होगा किसी का भी। सही बात है। फिर इतना मीठा बोल के ये आदमी इतना गलत काम कर गया, इतना गंदा काम कर गया। आप देखो जिस आदमी ने केवल 14 लाख रुपए भेजे वो कोई पैसे देने थोड़े ना आया था मेरे से 14, जबकि मैंने तो एक बात बताओ धाम का क्या मतलब बनता है आपको 30-40% दे, क्योंकि इसने मुझे कहा कि मैं गरीबी से जूझ रहा हूँ, इसने मुझे कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं 2 बार से जब भी आ रहा हूँ धाम में मेरे को पैसा लेके आना पड़ रहा है, कर्ज लेके आना पड़ रहा है भैया, और मेरी आप कुछ मदद करें। उस मदद के लिए मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, और मैंने इसको इतने दिन काम करने की छूट भी नहीं दी थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये लोगों की दृष्टि के लिए प्रयासरत है। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा 100 आदमियों की दृष्टि खुल चुकी है। और मैंने कहा आप धाम में क्यों नहीं लेके आए, उसके बाद ये धाम में एक ही बार आया तो इसने मना कर दिया, बोला सब दूर दूर के हैं भैया यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई कुछों को तो हम ट्रेनिंग देंगे, कुछों को से देखेंगे कितने कितनी दृष्टि खुली हुई है कितनी नहीं। 25 आदमी की दृष्टि खुली थी, वो भी ग्रुप बनाने से पहले से ही खुली थी, पहले उन्हीं को आगे करके उन्हीं के वीडियो डाल के और फिर बोल रहा था कि दृष्टि खोल दी। जो आदमियों की खुली थी उनको भी संशय था, उनकी भी पूर्ण रूप से दृष्टि नहीं खुली हुई थी, ग्रुप बनाने के पहले ही खुल रही थी, उन्हीं को आगे करके उन्हीं की वीडियो डाल के और फिर बोल रहा था। मैं जानता हूँ बेईमान ने लोगों के साथ क्या किया है, मुझे सब पता है, मुझे पता था उन लोगों की पहले से ही खुली हुई थी, बहुत सारे लोगों को पहले से ही दर्शन होते थे और इसने केवल 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 फ्रॉड किया। आप चाहे तो खैर केस कर सकते हैं, मेरी अनुमति आपको है, आप चाहे केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ ज्यादती की गई है, आपके पैसे नहीं दिए गए और क्या कहते हैं बहुत ही गंदा काम आपके साथ किया गया। तो जब आपको एक भी क्लास नहीं दी गई, आपके लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया, क्योंकि उसने जिसके भी कार्य कराए हैं और जिसका भी पैसा मंदिर में पहुंच चुका है उसका कार्य हो गया। कल की भी आप एक वीडियो देखेंगे एक आदमी के पितृ दोष खत्म हो गए, केवल 20% रह गए, क्यों? क्योंकि उसका पैसा धाम में आया होगा जरूर। मेरे तो पितृ दोष की तो दीपदान से ही सही हो गई थी, ये तो पता ही है। 7 दीपदान रोज कर रहा था उसी से सही हो गई थी। हाँ उसी से आराम पड़ जाएंगे, सबको आराम पड़ेंगे। दीप दान की प्रक्रिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कोई भी हवन इसकी बराबरी नहीं कर सकता दुनिया में। मैं एक गारंटी देता हूँ, मनु भैया लिख के देते हैं कि कोई भी हवन दीप दान की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है भैया, चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जुड़े रहिए। कल का आपने वो किया होगा जरूर, हमारी क्लास ली होगी कल की, आपको कुछ लाभ हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण हुआ है आपके साथ घटित? हुआ तो है, हमारे
वैसे जैसे मेरी बात सुनोगे, पहले 3-4 की थी उसमें भी हुआ था, और कल जब की थी उसमें हमारे पितरों के दर्शन भी हुए थे मेरे को रात को सपने में। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब शनिदेव महाराज ने आपके पितरों का कल्याण कर दिया, आपको वो सारी चीजें दिखा दी। आप धाम में आएंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, आपकी संपूर्ण दृष्टियां खुल जाएंगी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुमार सोनी। कहाँ से बोल रहे हो? भीलवाड़ा, राजस्थान। ठीक है, अब देखी जाएगी, भगवान इसके साथ न्याय करेंगे शनिदेव महाराज।